ब्रेक था क्या? हैं, शेड्यूल में तो नहीं है। हो गया 10 मिनट हो गए ना, 5-10 मिनट नहीं हुए? चाय वाय पीने गए होंगे ना। चलो पहले तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, डाउट्स। जो भी समस्याएं हों और नहीं है तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। बेलक्ष्मी पंडित को क्या कहाँ मिला है? मुझे तो नहीं यार, बेलक्ष्मी पंडित को बाधा तो नहीं मिला। मिला है क्या? नहीं याद आ रहा मुझे, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। हाँ, हीलियम से क्या होता है कि चूंकि ये पेजेस है ना, कागज खराब नहीं होता। हीलियम की क्वालिटी होती है कि इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर होता है ना, वो लंबे समय तक ना अब बना रहता है। नॉर्मली क्या होगा, पेपर को अगर रख दो 2, 4, 5, 10, 20 साल में क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हीलियम के अंदर वो सैकड़ों वर्षों तक बना रहेगा, इसलिए रखा। उसकी सिक्योरिटी भी तो करनी पड़ेगी। सबसे अगर बात करिए, सबसे पवित्र पुस्तक इंडिया की कौन सी है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ओरिजिनल को अगर वही खराब हो जाएगा तो फिर मतलब क्या हुआ? इसलिए रखा, और कुछ नहीं। तो इसलिए पूछ सकता है किस बॉक्स में रखा गया है। वैसे तो नहीं पूछेगा, रेल पे पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन थी तो डाल दिया। पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, है ना। चलो और पूछो। ऐप में क्लास नहीं हो रही क्या? बिल्कुल हो रही होगी। और कुछ है पूछने के लिए? क्या इंदिरा गांधी को मिला है ना? हाँ हाँ उससे क्या बेलक्ष्मी पंडित को नहीं मिला? जहां तक मुझे याद आ रहा है, विजयलक्ष्मी पंडित को भारत रत्न नहीं, जहां तक मुझे याद है, और आई थिंक सही भी है, नहीं मिला ना। फर्स्ट वूमेन है जो यूएन के अंदर जा रहे हैं, उनके पास ये क्वेश्चन बनता है कि भारत से यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करने वाली फर्स्ट वूमेन कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन आता है 1954-55 के आसपास गई है। हाँ 53-54 में बोल तो रहा हूँ ना, ऐसे कुछ डेट है, डेट याद नहीं है मुझे, लेकिन गई थी। और कुछ है पूछने को? बस आज संविधान सभा खत्म हो जाएगी, आज खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन चल गई बहुत है, और कितना चलाएंगे उसको, इतना भी नहीं चलती है। कुछ पूछने को पूछ लो भाई, पर मेरा नंबर आता है पूछने का। क्या करें, पूछना चाहिए? नहीं, कितनी जल्दी मना किया उसने, नहीं बताओ। पूछने के नाम पे डर क्यों लगता है? कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे कि याद होगा? टेस्ट पे फालतू की चीजें हैं। वन बाई वन खेलो, 1-1। मैं पूछूंगा आप आंसर दोगे, आप भी तो पूछते हो, मैं आंसर देता हूं तब तो। अब ये गिविंग टेकिंग चलना चाहिए ना, आप पूछते हो मैं आंसर देता हूँ, नहीं देता हूँ क्या? अब मैं पूछूंगा आप आंसर दोगे? नहीं, लेन देन चलते रहना चाहिए। अकाउंट कभी क्लोज? टेस्ट में तो अपन कुछ कर सकते हैं, बाजू वाले का भी मार लेंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे 4, है ना। ऐसा नहीं करेंगे अपन। कुछ नहीं है पूछने को? हाँ सही बात है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोई पार्लियामेंट थोड़ी थी आपकी, आप समझो ना, आप मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोई पार्लियामेंट थी क्या? पार्लियामेंट बनती है वो 1950 में, जब हम संविधान को अडॉप्ट कर लेते हैं। 24 जनवरी को हमने संसद बनाया, बताया ना, संसद सॉवरन है। संसद क्या है? जब तक कोई रूल ही नहीं है, सॉवरेनिटी कहाँ से आएगी? उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया भी नहीं। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म हो जाते हैं, जैसे लैक ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का अभाव या कमी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लेके हमेशा ये वाली बात रही ना कि अगर ये डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आती
तो फिर हम मान लेते कि यार भाई लोगों ने क्या दिया इसको, हमने डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। कैसी आई? इनडायरेक्ट सॉवरेंटी कैसे आई? पॉपुलर सॉवरेंटी तो नहीं हुई ना। बेसिकली सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली संप्रभुता का मतलब होता है लोकप्रिय संप्रभुता, जो आपके एग्जाम में भी आई थी, मेंस में पूछी थी। और लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है जब जनता अपनी डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी निर्णय लेने की क्षमता प्रोवाइड करा दे और वो आपके पास हो। जैसे अपने पास पार्लियामेंट में क्या है? पॉपुलर सॉवरेंटी। क्यों? हम लोगों को चुनते हैं एमपीस, और वो एमपी हमारे व्यापार पर डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या हो गई? लोकप्रिय संप्रभुता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मतलब अभाव की जगह कमी शब्द लिखेंगे हम। लेक लेक को हम कहाँ यूज़ करेंगे? अभाव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कमी थी। सॉवरन तो थी लेकिन टोटली सॉवरन नहीं थी, लिमिटेड के साथ, है ना। लेक की जगह लिमिटेड सॉवरन आप वर्ड यूज़ कर लो। चलो और कुछ पूछो। एमपी की महिला तो कोई भी नहीं है, पुरुष कुसुम कांत जैन। एमपी की नहीं है वो, उनमें से थी 15 में से, उसमें से नाम लिखा होगा यार मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा है नोट्स नहीं आपके पास? नहीं लिखा? क्या बात कर रहे हो, उसमें लिखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो एमपी से रिलेटेड थी इसलिए मैंने बताया नहीं, है ना। अब उसमें से लास्ट के 3-4 पढ़ लो, उनमें से किसी एक का नाम है। दक्षायणी बेलायुधन है शायद, देखो है, जहां तक शायद बोला मैंने, कंफर्म नहीं था, लेकिन दक्षायणी बेलायुधन जो थी वो सबसे यंगेस्ट वुमेन थी इन कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक है, 32 साल की। और यंगेस्ट मैन जो होगा वो होगा कुसुमकांत जैन, जो झाबुआ से थे मध्य प्रदेश, उनको हम ज्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि वो मध्य प्रदेश संबंधित है, ठीक है ना। तो पढ़ो, नोट्स पढ़े नहीं तुमने शायद, अच्छा नोट्स पढ़े लेते तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं। नोट्स में बहुत कुछ पढ़ा है भैया, बहुत कुछ, आप एक बार पढ़ो तो तब पता चलेगा कितनी गहराइयों में जा रहे हैं हम, है ना। चलो एमपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पहले तो 15 वुमेन्स के नाम बता दो मुझे फटाफट। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवी, सातवी। ये क्यों नहीं बोल रही? क्यों पढ़ा नहीं? फिर कहाँ है आवाज? कहाँ है? अब बोलोगी कितने हो गए? 6, 7 भी, 7 हो गए, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, और लास्ट एनिमस स्क्रीन। एनिमस स्क्रीन एक एक दो दो पॉइंट के बारे में याद होंगे शायद। चलो एमपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, 2-3 पॉइंट पहले क्या आए थे कि फ्रंट पेज जो बनाया गया संविधान का, उसको डिजाइन करने का जो प्राउड है, जो गौरव है, किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश कौन थे? ब्यौहार, राम मनोहर, सिन्हा। दूसरा, हिंदी को राजभाषा बनवाने में एमपी के लोगों का बहुत बड़ा रोल या पार्टिसिपेशन दिखाई दिया। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, तो ये अपने को याद रखना है। और ग्वालियर में क्या है? एक मूल प्रति, जो एक अपने पास ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी कौन सी? जो 284 अपनी क्या करी गई थी, बांटी गई थी, उनमें से माना गया, ठीक है। चलो उसके बाद हमने पढ़ा, अरे चल जा इनके बारे में, सिन्हा जी, अरे इतना आगे ये क्या हो रहा है? सिन्हा जी जबलपुर के थे, ठीक है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का जो है डिजाइन, वो किसने बनाया था? सिन्हा जी, ठीक है। और 10 अलग चित्र भी हैं, तो ये वाला याद रखना, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कौन है? एचवी कामत, ठीक है। कहाँ के थे? होशंगाबाद के। क्या किया इन्होंने? ओथ। ओथ में क्या जोड़ा? ईश्वर का नाम। हम जो ओथ लेते हैं उसमें ईश्वर वर्ड का उपयोग करते हैं, तो ये ईश्वर वाला जो वर्ड है वो किसने जोड़ा हुआ है? कामत साहब ने, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा, मास्टर लाल सिंह, बस याद रखना कहाँ से थे? भोपाल रियासत से। कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए थे? भोपाल रियासत से गए थे, बस। और ज़्यादा है तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, क्या नाम था? प्रजा पुकार। प्रजा पुकार नाम से इन्होंने क्या निकाला था? न्यूज़पेपर। चलो
अगला अब देखो सागर, सागर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि इससे तीन लोग आ रहे हैं कॉन्स्टेंट असेंबली, तीन लोग जुड़े हैं, या फिर आपको तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो सागर से आते हैं। पहले कौन है आपके? हरि सिंह गौर, जिन्होंने पूरी संपत्ति दान देकर क्या बनाया? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो आज आपके पास है, जिसको हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या दे दिया है? स्टेटस दे दिया। कितनी एमपी में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तीन हो गई या दो ही हैं? मुझे, मैंने पढ़ी नहीं एमपी बहुत टाइम से, दो तो थी, एक ये और एक इंदिरा गांधी वो अमरकंटक वाली, वो जनजातीय वाली, दो, एक और हो गई है ना शायद, मुझे पता नहीं है। नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? नहीं, दो तो मैं ही बता रहा हूँ, तीसरा कोई तो नहीं बन गया है रिसेंट में, किसी को मिल गया हो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा एमपी का करंट, एमपी का करंट ही चल रहा है ना अभी, अब कल पूछ लेना कुल जैसे कितने हैं बताओ, दो हैं, तीन हैं, कितने है? तो हरि सिंह गौर नाम याद रहेगा इनका, सागर से थे। दूसरा पंडित रविशंकर, इनका संबंध भी कहाँ से है? सागर। और यही है जिनके कहने पर हिंदी को क्या किया गया है, इनका ही सुझाव था, और बाद में इन्हीं के सुझाव को फिर किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अडॉप्ट कर लिया और हिंदी को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा बना दिया। तो भारत में हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? जो वर्किंग में उपयोग की जाती, जब सरकार की कार्य, प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे, उसकी जो लैंग्वेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा बोलेंगे। इसके लिए आर्टिकल 343 से लेकर 350 और 351 तक पूरा आपका क्या मिल जाता है? प्रोविजन मिलते हैं। 343 में लिखा हुआ है क्या? हिंदी विथ स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी, देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा होगी। तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगी? हिंदी, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी? देवनागरी। 344 में क्या है? एक कमीशन की बात की गई जो क्या करेगा, इन भाषाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए, जितने भी आपके पास अन्य ऑफिशियल भाषाएं, भाई हमारे पास 8 शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, कितनी भाषाएं? 22, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, शुरू में थी 14, फिर हो गई एक और जोड़ दी 15, ठीक है ना, फिर तीन जोड़ी 18 और लास्ट में चार, वो चार याद रखना, MBDS या BDMS जो भी आप जुगाड़ करना चाहो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, वो अपन पढ़ेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक। चलो, तो हिंदी को राजभाषा कौन? रविशंकर शुक्ल। उसके बाद लास्ट में कौन है? रतनलाल मालवीय। इनका भी संबंध कहाँ से है? सागर से। और ये थे कौन? लेबरों, लेबर के लीडर थे, लेबर क्लास के लीडर थे, काफ़ी इनका फेमस नाम रहा है, लेबर क्लास के लिए, मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये तीन लोग कहाँ से जुड़े रहे? जो अपने संविधान सभा में थे, ठीक है, हरि सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल और रतनलाल मालवीय, याद रहेंगे तीनों ने क्या क्या किया, ये याद रहेगा। चलो अगला, ये सेठ गोविंद दास इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई साहब, इनने क्या किया? इनका ही सुझाव था कि संविधान को मूल रूप से किसमें लिखाना जाना चाहिए, तो इनके सुझाव को माना गया। देखो पहले संविधान टोटल इंग्लिश में बनना था, आपको मैंने बताया भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे मेन जो कॉपी है वो किसमें है? इंग्लिश में। फिर एक मेन कॉपी और बनाई गई, भाई इंग्लिश लिखने वाले कौन थे आपके? राजादा। हिंदी लिखने वाले कौन थे? बैद। तो वो इनके ही रिकमेंडेशन पे, इनके ही सजेशन पे किया गया। तो आप कह सकते हो कि संविधान को हिंदी में लिखवाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किस बंदे का रहा है? सेठ गोविंद दास। देखो राजभाषा बनवाने में भी हिंदी का इंपॉर्टेंस, मतलब एमपी का इंपॉर्टेंस है, और संविधान को हिंदी में लिखवाने में भी मध्य प्रदेश का योगदान। तो दोनों, हिंदी वाली जब बात आएगी तो दोनों जगह में कौन मिलेगा? मध्य प्रदेश में, तो सेठ गोविंद दास, ठीक है। इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये लोकसभा में ये क्या रहे हैं? प्रोटम स्पीकर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटम स्पीकर क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटम स्पीकर होता कौन है भाई? हाँ, नई लोकसभा जब आती है उसके पहले प्रेसिडेंट एक बंदे को प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं, हो सकता है पुराने वाले को ही कर दे, हो सकता है किसी और को कर दे, संसद के अंदर बात कर रहा हूं। और वो जो बंदा प्रोटेम स्पीकर बनेगा है ना, वो क्या करेगा, नई लोकसभा आते ही क्या कराएगा? शपथ दिलवाएगा। और सेकंड काम करता है वो स्पीकर का चुनाव,
स्पीकर चुनाव भी करा देता है, और जैसे नया स्पीकर आता है उसका काम क्वेश्चन तमाम बार आता है कि प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आंसर कौन है, प्रेसिडेंट। जब अपन प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, तो उसके अंदर प्रोटेम स्पीकर भी पढ़ लें। तो बस हमें ये याद रखना है, सेठ गोविंददास वो हैं जो लगातार कितनी, चार लोकसभा के अंदर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है ना। तो चार लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम किसने किया, तो किसमें थे ये, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे ये, ठीक है। चलो अच्छा, ये उपन्यास भी लिखते थे, नॉवेल, इनके कोई उपन्यास है, दो तीन, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता, अगर याद करना हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे एक बार पढ़ लेना कि ये कौन है, राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी है, नॉवल लिखते हैं, और नॉवल इनके दो तीन आपको दिखाई देते, ठीक। चलो, और जबलपुर से सांसद तो रहेंगे ही भाई, जब लोकसभा में जाना है तो सांसद रहेंगे, तो इनका संबंध कहाँ से है, बस इतना याद रखना, कहाँ से, जबलपुर, तो जबलपुर से आज MP इलेक्ट होके आते, तो सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लोकसभा में क्या रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक, और हिंदी वाला भी बन सकता है। अगला, इनके बारे में तो पता ही है, फ्रैंक एंथोनी है ना, कौन थे, फर्स्ट नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसके कहने पर, क्यों कही थी, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझ पे दोपहर के भोजन के बाद, आफ्टर लंच काम नहीं होता। तो फ्रैंक एंथोनी है कौन, एंग्लो इंडियन है, कहां से रिलेटेड है, जबलपुर से रिलेटेड, और इस बंदे की सबसे बड़ी बात क्या, जब तक ये जिंदा रहे तब तक एंग्लो इंडियन जो भी अपॉइंट होते थे, जो भी, दो एंग्लो इंडियन थे हमारे पास, रिजर्व थी, वो इन्हीं के कहने पे होते थे, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। तो अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, नॉर्मल बात है, बड़ा नाम है। तो 1993 में मृत्यु तक उनके नामित प्रतिनिधि, जो मैंने आपको बोला कि जब 1993 में इनकी डेथ हुई, उस टाइम तक जो एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते थे, जो नॉमिनेट होते थे, उनका नाम कौन देता था, फ्रैंक एंथोनी देते थे, ठीक है। और एक इन्होंने एक आपका संस्था बनाई थी, उसका नाम क्या था, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, इन्होंने संस्था बनाई थी, जबलपुर से ये संबंधित थे, और वाइस चेयरमैन आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहे थे, नॉमिनेटेड। तो ये चार पांच छह क्वेश्चन है ना, भैया ये कुछ आ रहा है, आई मैग्नस का टेलीग्राम चैनल कोई अपडेट नहीं देता क्या, अभी कौन सी, अभी अभी मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं देता क्या, मतलब थोड़ा सा किस संबंध में आपको समस्या हो रही है वो बता दो जरा, क्या प्रॉब्लम आ रही, कौन से अपडेट की, क्लासेस अपडेट की बात कर रहे हो, नोट्स अपडेट की बात कर रहे हो, शेड्यूल की बात कर रहे हो, किस चीज़ की बात कर रही हैं आप। चलो ये क्लियर हो गया। अगला, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, कुछ तो केवल नाम याद रखने हमें, कुछ केवल हमें नाम याद रखने, कुछ के बारे में एक एक पॉइंट याद रखना है, जैसे इनका, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, मित्र मंडल की स्थापना करी, नरसिंहगढ़ के विधायक थे, तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए हमें कि राधा वल्लभ विजयवर्गीय भी क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे, जो कहां से आ रहे थे, उस मध्य प्रदेश, उस समय के मध्य प्रदेश रीजन से। तो ये भले ही मत याद करना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है, राधा वल्लभ विजयवर्गीय। अगले कौन है, सीताराम जाजू, इनकी फोटो मिली नहीं तो अपन ने क्या किया, कुछ लोगों वोगो लगा दिया है ना, तो सीताराम जाजू, तो ये फैक्ट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो था ना, MPSRTC, इसके क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो आपको याद करना है, बस नाम याद रखना है, कौन, सीताराम, तो दो नाम हो गए, एक कौन थे, कैलाश विजयवर्गीय, मत याद करना, वो तो अपने को याद होंगे ही, उनके भैया मान लो आप, तो दूसरे कौन थे, भैया भी नहीं होंगे, चाचा ताऊ मान सकते हैं अपन, बूढ़े आदमी होंगे अब, तो हो सकता ही नहीं कि फैमिली से हो, पता नहीं अपने को, अब उनका इतिहास निकालेंगे तो पता चलेगा है ना। तो राधा वल्लभ विजयवर्गीय, ठीक है, और दूसरे सीताराम जाजू, तीसरे अवधेश प्रताप सिंह, इनका नाम तो सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हैं, रीवा से, तो रीवा रियासत की सेना में भर्ती हो गए, फिर कैप्टन, और फिर क्या रहे, मेजर भी रहे, कैप्टन और मेजर भी रहे, ठीक है। और 1948 में जब बिंद प्रदेश बन गया, 48 में स्वतंत्रता के बाद बिंद बनाया, तो उसके पहले मुख्य, तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, कि बिंद प्रदेश के फर्स्ट CM के रूप में कौन बनाए गए थे, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह या मेजर अवधेश प्रताप सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, रीवा प्रिंसली स्टेट, रीवा रियासत से आए थे, तो रीवा रियासत से
कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। अगला पंडित शंभुनाथ शुक्ल, इनका संबंध कहां से, संबंध छोड़ो कहां से चुन के आ रहे हैं, तो दो लोग हो गए, पहले कौन थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, दूसरे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, तो बिंद प्रदेश से ही क्या रहे हैं संविधान सभा के लिए मनोनीत हो रहे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बिंद प्रदेश पूछे, वो मैंने बोला कैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन एक शामिल था संविधान सभा में मध्य प्रदेश से, कौन नहीं था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, तीन चार नाम देगा, उनमें कोई एक ऐसा होगा जो उसमें, तुम्हें वो नाम पता होना चाहिए कि भैया ये लोग मध्य प्रदेश से कहां आ रहे हैं संविधान, तो उसमें एक नाम होगा कैप्टन, कौन से कैप्टन निकल गए अवधेश प्रताप, दूसरा दे देंगे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, तीसरा दे देंगे कौन, कोई और लो बता देता हूं, तीसरा अभी कौन थे इससे पहले, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, चौथा दे देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आंसर क्या है, चार हो गए, मध्य प्रदेश से कौन संविधान सभा में नहीं चुना गया, तो अम्बेडकर साहब कहां हैं, एक बंगाल से आ रहे हैं, एक बॉम्बे से आ रहे हैं, पता तो है हमको, तो बस इतनी देर क्यों चुप रहे, फिर सोच रहे थे इनका भी तो संबंध मध्य प्रदेश से, संबंध है चुने नहीं गए, ये याद रखो आप, तो क्वेश्चन में कहीं भी लपेट लेगा वो आपको, जबकि आप अच्छे से जानते हो अम्बेडकर साहब मतलब मध्य प्रदेश का गौरव, मऊ में जन्म हुआ लेकिन रहे थोड़ी मध्य प्रदेश में, वो कहाँ चले गए, महाराष्ट्र बंगाल, मतलब घूमते ही रहे, नहीं घूमे क्या, ये वाली चीज थी, तो हम ये हमें याद रखना है कि कौन चुना जा रहा है कौन, तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल, रीवा से दो हो गए कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह और शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, और बिंद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी दूसरे रहे ना, ये 49 तक थे, ये 52 से थे है ना, अरे बीच में भी आए होंगे, बस आप ये मान के चलो ये मुख्यमंत्री भी रहे, क्योंकि एमपी में पूछ लेना, कुलदीप सर से पूछना कि बताओ रीवा में कितने मुख्यमंत्री थे 48 से अभी तक। ठीक है, अगला बाबू राम सहाय, किसके लीडर हैं ये भी पिछड़ों दलितों मजदूरों उनके लीडर के रूप में ये थे, और इन्होंने क्या चलाया, ग्वालियर स्टेट में मद्य निषेध एल्कोहल प्रोहिबिटेड के लिए एक पूरा मूवमेंट चलाया था, और इसी वजह से ग्वालियर स्टेट का वो कौन सा जिला, विदिशा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले शराबबंदी किस रियासत में की गई, तो आंसर होगा ग्वालियर, किस जिले में की गई, तो आंसर होगा विदिशा, उस समय विदिशा किस में था, ग्वालियर रियासत के अंदर आता, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे पहली पूर्ण शराबबंदी जो की गई थी, टोटल एल्कोहल जो प्रोहिबिटेड किया गया था, कहां किया गया था, ग्वालियर रियासत के विदिशा, समझ में आ रहा बात को, बाबू राम सहाय ने वहां पर क्या चलाया था, मूवमेंट चलाया था, तो हम कह सकते हैं ये पिछड़ों के मजदूरों के गरीबों के लीडर रहे, तो बस बाबू राम सहाय का नाम याद रहना चाहिए। अगला हरि विष्णु कामत, एक एच बी कामत थे, ये वही तो है यार, वो कौन थे, यही तो है, हाँ हरि विनायक थे, वो हरि विनायक थे, हरि विष्णु थे, अच्छा वो पार्टस कर तो वो आपके बोल रहे हैं, चलो ठीक है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है सुन लो, ये आईसीएस थे, क्या थे उस समय ब्रिटिश भारत में 1938-37 में आईसीएस थे, और जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, इस कारण बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये हमारा आईसीएस एक कलेक्टर बंदा है, और ये सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमी से सांड गांठ कर रहा है, क्योंकि शायद आपको पता होना चाहिए 1937 के बाद 37-38 के बाद इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा टारगेट कोई था तो सुभाष चंद्र बोस, वो ये कहते थे यही आदमी सबसे खतरनाक है इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक कोई आदमी है तो कौन है, बोस, इस आदमी को थाम लो बढ़िया हम राज करें, क्योंकि बोस के तो विचार थोड़े से अलग ही हिसाब किताब के थे, वो नॉन वायलेंस मानते थे लेकिन जरूरी नहीं था कि नॉन वायलेंस करेंगे, वायलेंस में भी आ जाएंगे जब मर्जी होगी आ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो वायलेंस करेंगे भरपूर,
उनको बस स्वतंत्रता से मतलब था। तो इन्होंने क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था, है ना। तो इसके कारण बहुत विवादों में रहे, बाद में इनको आईसीएस की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते। तो ये आईसीएस थे शुरू में, बाद में क्या बन गए, पॉलिटिशियन बन गए। तो ये भी आपके पास मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो 1833 में क्या किया, परीक्षा पास करी, नरसिंहपुर कलेक्टर बने और बाद में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात करी, इंटरव्यू लिया उनका, मतलब ऐसे ही डिस्कस हुआ और वो फिर हो गया पब्लिश। पब्लिश होते ही अंग्रेज सरकार में हड़कंप, यार ये आदमी तो क्या कर रहा है, बोस का सपोर्ट कर रहा है। और तब तक बोस तो एकदम टॉप पे चल रहे थे, ठीक है। तो ये याद रहेंगे, काफ़ी बड़ा विवाद रहा था इनके नाम पे। अगला सरवटे जी कहाँ से हैं, इंदौर बस स्टैंड है पाना, नहीं है सरवटे बस स्टैंड इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो जन्म इंदौर में, इंदौर से संबंधित थे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा ये सरवटे बस स्टैंड वाला क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, ठीक है। मराठी स्वतंत्रता सेनानी, ये तो नाम वाम है, ठीक है। 66 में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण, ये भी नाम मत याद रखना, बस इतना याद रखना इंदौर शहर का वशिष्ठ, बस यही हमें याद रखना है कि इंदौर शहर का जो बस स्टैंड है वो किसके नाम पे रखा गया है, विनायक सीताराम सरवटे। तो सरवटे बस स्टैंड इनके नाम पे, ठीक है। अगले एक दो पॉइंट और है बस। ब्रज राज नारायण, ये कौन है, ये प्रिंसली स्टेट से आने वाले हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल थे और ग्वालियर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में, क्लियर लिखा है किसके रूप में, तो प्रिंसली स्टेट से आ रही है, ध्यान रखना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 93 लोगों को क्या करना था, नॉमिनेट करना था, तो उसमें से एक कौन है आपके, ब्रजराज नारायण, ग्वालियर प्रिंसली स्टेट से ये क्या हो रहे हैं, संविधान सभा के अंदर आ रहे हैं। और कुसुमकांत जैन, अभी बताया आपको कौन है, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कहां से है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां, झाबुआ, ठीक है, झाबुआ रतलाम, उस समय जो रियासत थी। 1948 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री भी बने, अगर पूछा जाए यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो कौन है, यही कुसुम कांजन, मध्य भारत में कैबिनेट मंत्री बने। स्टेट के अंदर बात कर रहा हूँ, सेंटर में नहीं, स्टेट के अंदर सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कुसुम। तो दो उपाधियां इनके नाम पर, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे यंगेस्ट और इंडिया के सबसे यंगेस्ट स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, ये दोनों किसके नाम पर हैं, कुसुमकांत, तुम देख रहे हो ये तो बूढ़े आदमी की फोटो लगी है, यंग कहाँ है, तो रहे होंगे, हमें फोटो यही मिली है बुढ़ापे की, क्या कर सकते हैं, किसका नंबर चाहिए भाई, अच्छा आपको ऐड होना है, हाँ तो एक काम करो ना यार, अरे सीधे सर्चों के ऐड हो जाओ यार, कौन से वाले, पब्लिक वाले में होना है कि पेड वाले में होना है, पहले ये बता दो कौन से वाले में ऐड होना है आपको, इसको देखो यार, इसको बोलो नंबर वंबर मंगाओ, इसको बेचारा परेशान है, क्या ये कहाँ चला जाता है यार, अपने आप कहाँ भाग जाता है, ये अपने मन से चल रहा है बोर्ड, मैं तो कुछ दबाई नहीं, इतना दबाता रहा मैं, हाँ ना इतना नहीं, चलो राम साय तिवारी, दो तीन नाम और बच्चे हैं, अच्छा आप कोचिंग वाले नंबर पर फोन कर लो, वो जोड़ देंगे, राम साय तिवारी, ठीक है, छतरपुर से, कहाँ से आए थे, आपको दो तीन रियासतों वाले भी हैं, उनके नाम हम बस याद रखने, छतरपुर रियासत से आ रहे हैं, अरे चल जा यार ये बदलवा दो, उधर से मंगा लो, क्यों, रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे। अगले कौन है, दो विजयवर्गीय हो गए भाई साहब, पहले कौन थे, राधा वल्लभ, दूसरे कौन थे आपके, ये कहाँ से आ रहे हैं, मध्य भारत, ठीक है ना, संविधान सभा के सदस्य। अब आ जाते हैं वो लोग जो मध्य प्रदेश से तो थे लेकिन संविधान सभा में मध्य प्रदेश से चुने, समझ में आ रहा बात को, कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, गए भी संविधान सभा में लेकिन मध्य प्रदेश सेलेक्ट होकर नहीं गए, कहीं और से गए। सबसे पहले कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, मध्य प्रदेश से संबंधित थे, मऊ में जन्म हुआ, सब पता है हमें अच्छे से, कब हुआ था, 14 अप्रैल को, ठीक है। तो उस दिन क्या मनाते हैं हम, कौन सा डे है, 14 अप्रैल, कौन जयंती, अरे ये तो जयंती हो गई, मैंने पूछा दिवस कौन सा मनाते हैं, एक तो जयंती होती है जो हमेशा जिस पे जन्म दिवस पे होती है, मुझे क्या पता, सुनो
लूसेंट टाइप की कोई किताबें हैं अपने पास, कोई भी ऐसी, लूसेंट भी आती है और भी आती हैं और तमाम पब्लिकेशन आते हैं, तो उनके पीछे जो विविध दिया रहता है ना, ये छोटा डेज इम्पोर्टेंट, ये जयंतियाँ, किसकी समाधि कहाँ है, ठीक है ना, इनको थोड़ा 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 रटना शुरू कर दो यार, हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये किसी संस्था में पढ़ाए भी नहीं जाते, कॉन्स्टेंट जीके जिसको हम कहते हैं ना, लंबा बड़ा छोटा ऊंचा पहला, ये है ना, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, है ना, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, एक दो तीन क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो इनसे पूछ लेते हैं, स्पोर्ट विस्पोर्ट पढ़वाएंगे आपको, लेकिन ये जो होता है कॉन्स्टेंट जीके, कल क्या याद करके आओगे मुझे ये बताओ, कल पूछूंगा, अब आओ ना, ये नहीं उसमें से लूसेंट में से महिलाएं, भारत की प्रमुख महिलाएं, प्रथम महिलाएं, हाँ वो छोटा है ना, 70, अच्छा हो चुकी, अब आई बात समझ में, ये लफड़ा है, हो चुका वो, इसलिए मध्य मिला, रुको, पुरस्कार, अब आओ, पुरुष के साथ कारो जोड़ दो, अब क्या हो गया, पुरस्कार, भारत के प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार पुरुष नहीं है, कारो जोड़ा है, जो राष्ट्रीय और ये आपके है ना, होगा ना टॉपिक, नहीं है, कितना बड़ा है, किसी पहलूसन भूषण टाइप की कुछ है, पुरस्कार वादा ना, 10 मिनट वही पूछूंगा, बहुत है 10-15 मिनट में, तभी ना महिलाएं, कितनी जल्दी लोगों नाम लिया, महिलाएं, मतलब पहले रट के बैठे, बेटा रुको, कल तो हो सकता है डबल पूछाई हो जाए, वो भी हो जाए ये भी हो जाए, संविधान सभा खत्म, आ जाओ पूरा पॉलिटी, नहीं तो 4-5 आयोग भी हो गए हैं, बेटा तेल निकाल दिया जाएगा तुम्हारा, तुम रहने दो, अम्बेडकर साहब पता है इनके बारे में, ठीक है चलो, ये बता दिया था, बंगाल से आए थे पहले, फिर बॉम्बे से आए थे, धर्मधिकारी, दादा धर्मधिकारी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में कहाँ चले गए थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहने लगे थे, तो 36 बैतूल में जन्म हुआ था इनका, ये भी संविधान सभा में थे, मध्य प्रदेश से नहीं थे, महाराष्ट्र से थे, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश से संबंध है तो नाम हमें इनका याद रखना है, तो ये थे टोटल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से चुने गए या मध्य प्रदेश जिनका संबंध है जो संविधान सभा में, एक बार रिपीट कर लें, चलो एक बार रिपीट कर लेते, महिलाएं तो याद हो गई होंगी सारी, चलो पहले कौन से थे, राम मनोहर सेना, कहाँ से थे, क्या किया, फ्रंट पेज को डिजाइन किया था, टोटल कितने चित्र हैं, 10, अगला दूसरा एच वी कामत, क्या किया, ओथ में ईश्वर की शपथ, शायद वही कामत सेम भी है, नरसिंहपुर कलेक्टर विवाद हुआ वो एक ही है जहां तक है, और फिर आईसीएस की नौकरी छोड़ के क्या गए, संविधान सभा, उसके बाद कौन, कामत, अच्छा कामत आ गए ना, चलो ठीक, तीसरे कौन, मास्टर लाल सिंह सिंहनवार, कहाँ से थे, भोपाल रियासत से आए थे, ठीक है, उसके बाद चौथा, तीन है सागर से, हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी बनवाई, दूसरा शुक्ल, तीसरे रतन लाल माल, तीन लोग हैं सागर से, कितने हैं, तीन, अगला क्या किया, क्या चाहते थे, हिंदी को, सॉरी संविधान को हिंदी में लिखवाना चाहते, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन चार लोकसभाओं में क्या रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गए, बाकी फिर उपन्यास उपन्यास है इनके, अगला कौन है, इनके बारे में बताइए, जबलपुर से थे, एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करते थे, फर्स्ट नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन, अगला राधा वल्लभ विजयवर्गीय, और एक और थे कौन से, विजय वर्गीय, एक और गोपाल कृष्ण विजय वर्गीय, तो दोनों साथ में याद कर लेना, इनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रखना है, राधा वल्लभ और गोपाल, अगले सीताराम जाजू, नाम याद चाहिए हमें बस, ठीक है ना, उसके बाद अरे चल जा यार, अवधेश प्रताप सिंह कहाँ से हैं, रीवा से,
तो कैप्टन राजेंद्र प्रताप सिंह। एक और रीवा से कौन थे? पंडित शंभुनाथ शोकल। ये भी कहां से हैं? रीवा से। इन दोनों के नाम रीवा से याद रखना। दोनों मुख्यमंत्री रहे, पहले कौन थे? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, बाद में जब भी बने पंडित शंभुनाथ शोकल। नेक्स्ट बाबू राम साय। इन्होंने क्या किया भाई? ग्वालियर में क्या करवाया? एल्कोहल को प्रोहिबिटेड करवाया। फिर एच वी कामत बताई दी आपको। अगले कौन है? क्या है? इंदौर में सरवटे बस स्टैंड, तो इंदौर से संबंध हो गया इनका। अगले कौन है? बजराज नारायण। कहाँ से हैं? ग्वालियर रियासत से। देखो ग्वालियर को ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, मैंने आपको अगर याद हो 35 एक्ट में और उस समय बताया था, उसके अंदर भी किसमें बना था ये कैबिनेट मिशन, कि ये जो 93 सीट्स दी गई ना प्रिंसली स्टेट को, इनका कोई औचित्य नहीं था, मतलब इनका कोई बेस नहीं था कि किसको कैसे दिए जाएंगे। जो अंग्रेजों के साथ है उसको ज़्यादा सीट इम्पोर्टेंस बेसिस पे, जो नहीं है उसको, इसलिए ग्वालियर को सीट ज़्यादा मिली थी, तो लोग भी ज़्यादा पॉइंट होकर आपके संविधान सभा में दिखाई देते। ठीक है, तो बैजा नारायण प्रकोसम कांजन कहाँ से हैं? झाबुआ से। दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्या? यंगेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और यंगेस्ट स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर 1948। ठीक है ना, तो ये दो इनके बारे में हो गए। अगला राम साय तिवारी, इनके बारे में क्या? छतरपुर से थे, बस इनका नाम ले लिया अपन ने, गोपी कृष्ण। फिर अम्बेडकर साहब मध्य प्रदेश से हैं लेकिन चुने नहीं गए, गए कहाँ से हैं? बंगाल और बॉम्बे से। बॉम्बे कौन सा सीट थी? किसको हटाया गया था? एम आर जयकर। फिर दादा धर्माधिकारी कहाँ जन्म हुआ? बैतूल में। फिर महाराष्ट्र से चुने। अब अपने पास क्या? अब अपने पास है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमेटियां थी, मैंने पहले ही बता दिया, नंबर मत पूछना टोटल कितनी थी, मुझे नहीं पता, इतनी मिल चुकी हैं इसलिए मुझे नहीं मालूम कि टोटल नंबर कितना है। बुक्स में जरूर लिखा रहता है लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे मैं ढूंढ चुका हूँ। तो उसमें से 12-15 जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं वो हम फटाफट याद कर लेते। लगभग 12 से 14 कमेटियाँ जिनके हमें नाम और उनके चेयरमैन पता होना चाहिए। तो इसमें देखो 3-4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्हें हमें याद करना है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चार कमेटी के चेयरमैन मिले। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 4 से 5 कमेटी के ये भी मिलेंगे। ठीक है, तीसरे इंपॉर्टेंट है पटेल साहब, जो 2 कमेटी, बाकी फिर एक 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 मिल जाएंगे। तो ऐसे अपने 12-14 कमेटी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसको डॉक्टर, कौन कौन सी वो 4 कमेटियां थी जिनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो हमें ये पहला याद रखना, दिमाग में सबसे पहला क्या होना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद साहब कितनी कमेटी, बस एक साथ लाइन से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति जो संचालन करती थी पूरी प्रक्रिया का, स्टीयरिंग कमेटी का भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दूसरी कौन सी है? एडॉक फ्लैग कमेटी, तदर्थ झंडा समिति, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दो हो गई, संचालन और तदर्थ झंडा। तीसरी कौन सी है? नियम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, नियम समिति। और चौथी कौन सी है? वित्त एवं स्टाफ समिति। तो टोटल 4 कमेटी हैं जिनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? चेयरमैन। कितनी है? 4, स्टीयरिंग, संचालन, तदर्थ, रूल्स और प्रोसीजर जो नियम बनाने वाले थे, और चौथा कौन सा? फाइनेंस, वित्त। 4 याद रहेंगी, एक एक याद कर लो, संचालन, तदर्थ झंडा, फिर नियम और वित्त, 4 वर्ड याद कर लो। ये 4 वर्ड से संबंधित जो भी कमेटी आएगी उसके कौन है चेयरमैन? डॉक्टर राजेंद्र। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 4 कमेटियां किसके अंडर काम कर रही थी, जो कौन थे? चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 4 इंपॉर्टेंट, एक आध और भी मिल सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए कितनी जरूरी है? 4 याद रहेंगे। और जिसमें से ये वाली तो तमाम बार पूछी गई है, इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज भी रहे, ये वाली झंडा तथा झंडा समिति, क्योंकि कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में कृपलानी नाम भी मिलता है आपको, अगर आपने पढ़ा हो, जे भी कृपलानी नाम मिलता है ना। हाँ, लेकिन आंसर ये है, ये लगाना, कृपलानी कहीं मुझे पढ़ा लेकिन मतलब ऑफिशियली नहीं मिला, इनका जरूर मिला है ऑफिशियली। तथा झंडा समिति एडॉक फ्लैग कमेटी में किसका नाम मिला है? राजेंद्र प्रसाद का।
झंडा समिति कौन सी बनी थी जिसके कृपलानी है? मैं श्योर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा, मुझे नहीं मिला अभी तक। 17,000 पेज पढ़ लिए उसमें तो नहीं मिला, आगे शायद मिल जाए, है ना। तो कंफर्म नहीं हूँ किन पुस्तकों में मिलता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे जो मिला है मैं वो बता रहा हूँ, और ये आ चुका है बहुत बार, और आंसर सीधा कहाँ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। टोटल कितने हो गए? 4। याद रहेंगे, पहला कौन सी कमेटी है? संचालन स्टीयरिंग कमेटी। दूसरी एडॉक फ्लैग कमेटी। तीसरी नियम रूल्स और प्रोसीजर कमेटी। फोर्थ वित्त एवं स्टाफ, फाइनेंस एंड स्टाफ। तो राजेंद्र प्रसाद के नाम पर 4 कमेटी, टोटल 4। चलो अब आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल, पहले बड़े बड़े खलीफा निपटाते हैं, खलीफा समझ रहे हो ना? हाँ। तो अब दूसरे खलीफा कौन है? नेहरू जी। तो पहली कौन सी है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघ संविधान समिति। दो प्रकार के संविधान बन रहे थे, एक यूनियन का, फेडरेशन का, संघ का, दूसरा स्टेट का। पढ़ा था ना हमने ये वाली बात उन्होंने रखा था। तो शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर दूसरी कौन सी बनाई गई? संघ शक्ति समिति, कि यूनियन के पास क्या क्या पावर होनी, तो संघ का संविधान उसको शक्ति भी कौन देता है? चाचा। दो हो गई संघ संघ के नाम, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे हम कहते हैं, और यूनियन पावर। तो संघ संविधान और संघ शक्ति समिति के हो गए चाचा नेहरू। अब दो कमेटी और हैं, कौन कौन सी इनके अंडर है भैया? एक है प्रारूप जांच के लिए विशेष समिति, ध्यान रखना, जो ड्राफ्ट बनाया गया था ना ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट के लिए एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन उसकी विशेष इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमेटी बनी थी उसके कौन थे? हाँ, यहाँ पे अपन गलती कर सकते थे। जैसे ही ड्राफ्ट के लिए आता हमारा आंसर सीधा कहाँ जाता? अम्बेडकर, और हम पक्का गलत। तो ये गलती अब नहीं करनी, ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो विशेष समिति बनी है किसकी जाँच के लिए? प्रारूप की जाँच के लिए, कि ड्राफ्ट का इन्वेस्टिगेशन करिए, उसमें जो भी चीज़ें खराबियाँ बुराइयाँ उनके बारे में बताइए, उसके कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। तो दो तो संघ वाली हो गई, संघ संविधान और संघ शक्ति। तीसरी क्या हो गई? ड्राफ्ट के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, हाँ। और फोर्थ कौन सी है? राज्यों के साथ समझौता, ठीक है ना, स्टेट के साथ सेटलमेंट। अब इंपॉर्टेंट याद रखना, स्टेट का मर्जर पटेल साहब करवा रहे हैं, राज्यों का एकीकरण, राज्यों का मर्जर विलीनीकरण कौन करवा रहे हैं? पटेल। लेकिन राज्यों के साथ समझौता सेटलमेंट की जो कमेटी है उसके हेड कौन है? इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे राज्यों का समझौता या मर्जर आता है एक ही आदमी दिमाग में आता है, पटेल, क्योंकि रियासत विभाग का प्रमुख कौन? पटेल। मर्जर कौन करवा रहे? कौन? पटेल। लेकिन यहां बस याद रखना है, समझौता समिति अगर है स्टेट से रिलेटेड, सेटलमेंट कराने वाली कमेटी है, आंसर कौन होगा? बस इसीलिए अपनी गलती होने की, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही भाई, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये विशेषली स्पेशली इन पर फोकस करना। तो पहले बताओ, 4 उनकी राजेंद्र प्रसाद साहब की, पहली संचालन हो गई, दूसरी तदर झंडा हो गई, तीसरी नियम समिति हो गई, चौथी वित्त एवं स्टाफ। क्लियर हो गई? अब आया नेहरू साहब पे, पहली संघ संविधान, दूसरी संघ शक्ति, तीसरी प्रारूप जांच के लिए विशेष समिति, चौथी 4 इनकी हो गई। तो 4 और 4 8 हो चुकी। अब पटेल साहब की देख लो, 2, तो 10 तो ये सीधे सीधे हो जाएंगे आपके। पटेल साहब की कितनी है? 2, ठीक है। पहली कौन सी है? एडवाइजरी कमेटी, परामर्शदाता समिति। कोई भी परामर्श चाहिए किसके पास आओ? पटेल साहब के पास। अरे यार फोन करके बताओ, ये वाली चीज है ना। तो आप परामर्शदाता, एडवाइजरी कमेटी कौन किसके अंडर आ रही है? पटेल साहब के अंडर, ठीक है। अगली कौन सी है? प्रांतीय संविधान। अच्छा, ये एडवाइजरी कमेटी किससे संबंधित है? एडवाइजरी कमेटी आपके बहुत सारे जो डेप्राइव्ड क्लास हैं, एससी एसटी माइनॉरिटीज, उनसे संबंधित है ये, बेसिकली अल्पसंख्यकों से संबंधित है ये, उसके लिए हम बात कर रहे हैं एडवाइजरी कमेटी, उसके अंदर चलेंगे। दूसरी कौन सी आपकी? प्रांतीय संविधान। देखो, संघीय संविधान कौन बना रहा है? नेहरू। और प्रांतों का संविधान कौन बना रहा है? पटेल। दोनों में डिफरेंस याद रखना, संघ की बात आएगी तो नेहरू जी, प्रांत की बात आएगी तो, क्योंकि प्रांतों के साथ डील कौन कर रहा है? समझौता करवाएंगे नेहरू, लेकिन मर्जर कौन करवाएंगे? ये दोनों याद रखना, समझौता कौन करवा रहे हैं? यानी उस कमेटी के चेयरमैन नेहरू हो गए,
मर्जर कौन करवा रहा है? पटेल। तो प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट बनेगा, जो रियासत विभाग बनना है उसके हेड कौन है? पटेल। तो उनका संविधान भी कौन बनवाएंगे? पटेल। कितनी हो गई? 10। पटेल की कितनी है? 2। एडवाइजरी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रांतीय संविधान समिति, हो गई 10। याद होंगी? बताओ फटाफट। राज प्रसाद की 4, नियम समिति और वित्त हिसाब से। नेहरू जी की 4, संघ समिति, संघ संविधान। तीसरी राज्यों का समझौता। चौथी प्रारूप के विशेष जांच के लिए, ड्राफ्ट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष समिति हो गई। 4 हो गई। पटेल साहब की 2, परामर्शदाता और 10 हो गई। अब एक एक करके और देख लो, 3-4 और हैं और आपकी कमेटी का काम खत्म। मैंने बोला 14-15 याद करनी है हम। चलो अगले किसके नाम आ रहे हैं? मूल अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट्स पर जो उप समिति बनी है उसके कौन है? जेबी। अच्छा, मूल अधिकार समिति के लिए जो बनने ही थे वो कौन थे? पटेल साहब, ठीक है ना। समिति के लिए उप समिति पे कौन है? जेबी कृपलानी। 2 उप समितियां हैं, अल्पसंख्यक उप समिति और मूल अधिकार उप समिति। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? मुझे दिमाग में कुछ और क्लिक कर रहा है। चलो इसको देखता हूं मैं, ये वाला छोड़ देना अभी, है ना। इसमें मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि पटेल थे इसमें? मेन के पटेल थे ना, हाँ वही मुझे ऐसा लग रहा है। मौलिक अधिकारों की समिति के पटेल थे, उप समिति पे कौन है? जेबी का। ऐसे कुछ दिमाग में थोड़ा सा रासायनिक लोचा हो जाता है ना कभी कभी, बस वही हो रहा था। कोई नहीं, उप समिति के कौन है? कृपलानी। दूसरी उप समिति किस पर बनी? अल्पसंख्यक। तो 2 सब कमेटी हमारे पास, कितनी सब कमेटी है? 2। एक किस पर है? फंडामेंटल राइट पे। दूसरी कौन सी है? माइनॉरिटीज, ठीक है। ऐसे याद करना, 2 सब कमेटी कितनी? 2। कितनी? 2। फर्स्ट कौन सी है? फंडामेंटल राइट। दूसरी कौन सी है? माइनॉरिटी। फंडामेंटल राइट में कृपलानी, माइनॉरिटी में एससी मुखर्जी। कौन है वो? भंडारे में फैकल्टी आएंगी कि नहीं? कौन सी फैकल्टी चाहिए भाई, ये बताओ, कौन सी फैकल्टी आपको चाहिए? आर के द रॉक स्टार, आर कहाँ गया? गजब गजब क्वेश्चन पूछते। कौन सी फैकल्टी चाहिए बताओ? महामहिम को बुलवा दें क्या जी? मैं तो यही हूँ यार, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? जीना यहाँ, समझ गए। चलो मूल अधिकार, हम लोग अवेलेबल रहते हैं, रात को 12 बजे भी आ जाओ, सुंदरम पे मिल जाते हैं। हाँ चाहे मन होता यहीं सो जाते हैं, वहाँ पर है सोने की व्यवस्था बढ़िया, एसी वैसी लगा है सब, है ना। जो सुंदरम गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं गए होंगे उनको नहीं पता हो। तो तमाम बार ऐसा होता है जब रात में काम करते करते अगर 11-12 बज गया तो फिर अब जा ही नहीं रहे घर, यहीं सोएंगे। 2 बजे तक काम किया, सो गए, सुबह उठ के फिर गए 6 बजे, फिर वापस। तमाम बार ऐसा होता है, तमाम बार, कितनी बार हो चुका है याद भी नहीं, ठीक है ना। चलो बिल्कुल आएंगे यार। मूल अधिकार उप समिति 2 हो गई, इसके कौन है? कृपलानी। दूसरे कौन है? एच सी मुखर्जी। कौन थे? वाइस चेयरमैन, वो भी इलेक्टेड वाले, है ना, नॉमिनेटेड वाले नहीं थे, ठीक है। चलो बस 1-2 लोग और हैं, ये कौन है? अब देखो स्टीयरिंग कमेटी 2 हो रही है, एक स्टीयरिंग थी सिंपल, एक है वर्क स्टीयरिंग, कार्य संचालन। बस याद रखना, संचालन के कौन थे? कार्य संचालन के कौन है? के एम। बस इन कमेटी में यही दिक्कत होती है, चूंकि एक जैसे नाम है हम इसमें कंफ्यूज, इसलिए हम बांट बांट के पढ़ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की 4, जवाहरलाल नेहरू की 4, पटेल की 2, सब कमेटी 2, एक नहीं 2, हाँ तो 2 बोलो ना यार, सब कमेटी, ठीक है। फिर कार्य संचालन कौन है? के एम मुंशी। उसके बाद हाउस कमेटी, हाउस को जो चलाएगा वो कौन है? पट्टाभी सीताराम। तो 2, एक, अब एक एक वाले आ गए, पहले लाइन से याद करना, 4-4-2-2 कितनी हो गई? 12। 4 किसकी? राजेंद्र प्रसाद की। 4 किसकी? जवाहरलाल नेहरू। 2 किसकी? पटेल साहब की। 2 क्या है? सब कमेटी। ये क्लियर हो गया। अब सिंगल सिंगल, एक कार संचालन है जो कौन चला रहे हैं? मुंशी साहब। एक हाउस को चला रहे हैं कौन? पट्टाभी सीतारामैया, जो भी हाउसेस थे अपने। उसके बाद अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वरदाचार्य। 2
एडहॉक कमेटी बन रही है, क्या बन रही है? अब यहां भी देखना है, दो एडहॉक कमेटी है, किस किस पर? सुप्रीम कोर्ट पर भी है और सिटीजनशिप पर। तो सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता पर दो सब कमेटी है, दोनों का एक ही चेयरमैन है जिसका नाम है एस बरदाचार्यर। तो ध्यान रखना, कोर्ट के अंदर बैठा आदमी ही नागरिकता दिलाता है। कौन बैठा है कोर्ट में, ऐसे जुगाड़ कर लेना जैसे भी आप चाहो। बरदाचार्यर का नाम याद रखना, दो कमेटी, दो एडॉक कमेटी के चेयरमैन है। कौन सी दो? सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप। एडॉक जो एक विशेष कार्य के लिए, विशेष समय के लिए बनाई जाती है, फिक्स नहीं होता। एक होती है फिक्स कि नहीं इसको काम करना ही है, एक होती है चार दिन के लिए बना दी फिर हटा दी, समझ गए, नॉन परमानेंट टाइप की, उसको बोलते हैं एडॉक। तो दो गई, दो एडॉक कमेटी भी, तो इसमें जोड़ लो चार, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी कितनी है चार, नेहरू जी कितनी है, पटेल साहब भी कितनी है, सब कमेटी कितनी है, एडॉक कितनी है, दो। उनको छोड़ दो, राजेंद्र प्रसाद वाली अलग ही छोड़ दो, उसको काउंट मत करो, लेकिन अब ये दो गिन लो, ये दो अलग से याद कर लो जिसका भरदाचार्य है, ठीक है। बाकी दो अलग अलग पढ़ ली हमने, एक कौन सी थी, कार्य संचालन, कौन था के एम मुंशी, दूसरी कौन सी थी सदन, कौन था खट्टा मिश्र, ठीक है, भरदाचार्य होगा ये। अगला बस एक या दो और बच्ची हैं, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए। अब देखो, एक फाइनेंस कमेटी वो अलग हो गई थी, यहां बात की जा रही है कि जो संघीय संविधान है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पैसे की बात की जा रही है, फाइनेंशियल प्रावधान। तो संघीय संविधानों का वित्तीय प्रावधान कौन देखेंगे? नलिनी रंजन सरकार देखेंगे, नलिनी रंजन सरकार, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनेंशियल जो भी प्रोविजंस हैं वो है नलिनी रंजन सरकार, इसके बाद आखिरी और खत्म। नलिनी रंजन सरकार क्या देखेंगे? संघीय संविधान के वित्तीय, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फाइनेंशियल प्रोविजंस, और लास्ट में कौन मिल जाएगा आपको? भाषाई प्राण समिति, सबको पता है कौन है, एस के धर, इनका तो नाम पहले से पता है ना, नहीं मालूम, 1948 में बनाई गई थी, जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को डिनाई किया था, भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए या नहीं बनाए जाए, इसके लिए पहली कमेटी कौन सी बनी थी, धर, धर कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुई तो बनी जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी, उसकी भी एक्सेप्ट नहीं हुई, तब फिर क्या हुई आंध्रा में डेथ, फिर बनाया फजल अली कमीशन, और फिर फजल अली कमीशन के कहने पर क्या हुआ, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा आपने पढ़ा होगा ना। तो एस के धर, समिति की जगह आप चाहो तो आयोग भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कमीशन, भाषाई प्रांत। तो टोटल इतनी कमेटीज अपने पास हैं, लाइन से एक बार याद कर लो। राजेंद्र प्रसाद की चार बताओ, संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति, नियम समिति और फाइनेंस स्टाफ, चार हो गई। नेहरू जी की चार बताओ, संघ संविधान, संघ शक्ति, प्रांतों के साथ सेटलमेंट और प्रारूप की विशेष जांच के लिए विशेष समिति, चार हो गई। पटेल साहब की दो बताओ, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदाता समिति, एडवाइजरी समिति, जो किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स वाले के लिए थी, जो मैंने बताया ना फंडामेंटल राइट्स। चलो दो सब कमेटी बताओ, एक अल्पसंख्यक और एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट पे कौन था, ये भी कृपाणी, अल्पसंख्यक पे कौन था, एस सी मुखर्जी। अब दो एडॉक कमेटी बताओ किसके अंडर थी, बरदाचार्यर के अंडर, कौन सी एडॉक थी, सुप्रीम कोर्ट की थी और नागरिकता की थी, ठीक है। अब सिंगल सिंगल बताओ, याद नहीं है, याद हो गई होंगी, क्यों नहीं हो गई होंगी। पहला कौन था, कार्य संचालन के एम मुंशी, कार्य संचालन किसका था, दूसरी कौन सी, सदन हाउस, पट्टाभी सीतारामैया, तीसरी भाषाई प्रांत ले लो धर, चौथी किसका, फाइनेंस, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान कौन, नलिनी रंजन, कितनी तो हैं और बची है क्या, खत्म। यहां पे आपकी संविधान सभा का क्या हो जाता है आज, इतिश्री, यानी कि दी एंड, इतिश्री बोलते हैं उसको, पढ़ लेना मेंस में आता है हिंदी में, ब्राह्म चिन्हों में इतिश्री चिन्ह, इतिश्री पढ़ा जाता है,
जो खत्म हो जाएगा। ये हो गई आपकी संविधान। अब अगला टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स। इसके बीच में कुछ तो नहीं और नहीं ना? चलो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर हो? कितने टॉपिक हो गए? तीन, 1919, 1935 और संविधान सभा। तीन बड़े बड़े टॉपिक थे फंडामेंटल। बड़े बड़े तो खैर सारे ही हैं, कोई छोटा टॉपिक नहीं है इनमें से। इनको छोटे कह सकते हैं जो खत्म हो गए, बड़े तो अब शुरू होंगे। फंडामेंटल राइट काफ़ी बड़ा है। फिर DPSP और फिर यूनियन। यूनियन है उसके बाद, वो तो उसी के साथ आ जाते हैं। DPSP का ड्यूटी तो अपने आप जुड़ जाने हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? कहाँ उनको हम उनका बायकॉट कर देंगे? वो कहीं नहीं जा सकते। फिर कोर्ट और अमेंडमेंट। वो यूनियन में क्या आता है? यूनियन में सब आ गया। यूनियन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब आ जाता है। फिर आएगा कौन? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यूनियन के साथ हम किसको पढ़ेंगे? स्टेट को भी पढ़ेंगे, जैसे फिफ्थ यूनिट कमर हो जाएगी, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को पढ़ लेंगे, तो फिफ्थ यूनिट वाला जो अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वाला प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में अमेंडमेंट पढ़ेंगे और आपका पॉलिटी। यूनियन में बहुत टाइम लगेगा। मेरी क्लास ऑफ करने से क्या हो जाएगा? बाकी थोड़ी होंगी। नहीं, ऑफ करने का क्या हो? इतना टाइम तो मिल जाता है आपको, दिन भर पड़ा है। ऑफ करनी है? बहुमत क्या कह रहा है मुझे ये बताओ, मैं बहुमत पर चलूंगा। पर रुक जाओ, ऑफ करने के लिए कितने लोग एग्री हैं? नहीं, आप कर सकते हो लेकिन आप, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। देखो, मैं तो बहुमत के हिसाब से चलूंगा। अगर बहुमत छुट्टी की तरफ होगा मैं छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि बहुमत नहीं है छुट्टी की तरफ। तो हाँ, क्लास से बाहर। वित्त घनघोर बेइज्जती। अब क्या आएगा रिप्लाई में वो आप देख लेना अपने हिसाब। तो बेटर है पढ़ के, वैसे टाइम मिल जा रहा है, इतना काफ़ी टाइम मिल जाता होगा ना, 1 बजे के बाद तो टाइम ही टाइम है इनके पास, नहीं बेचारों के पास। हाँ, आपके लिए मैं सोच सकता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता, बस सोच सकता हूँ। सहानुभूति ले लो, सिंपैथी दे सकता हूँ, एम्पैथी नहीं, सिंपैथी। चलो, क्लियर हो गया संविधान सभा तक? क्लियर। चलो, अब 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर पढ़ेंगे।